हेलो गाइस, मेरा नाम है बितान सिकदार और मेरे चैनल का नाम है बितान द गेमर। तो फिर कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। लगता तो नहीं है बढ़िया होगे क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली थी। मेरे वीडियो ना डालने का रीज़न है क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा सा फीवर चढ़ा हुआ था और भाई घर में रिश्तेदार भी आए हुए थे, इस वजह से भाई मैं वीडियोस नहीं बना पाया। अब भाई वो सब तो ठीक है, अब आपको लग रहा होगा भाई तू रूम में क्या कर रहा है, ये साध्विक 362 कौन है, और भाई तू तो BGMI की वीडियोस डालता था, फ्री फायर की भाई कब से डालने लग गया। तो भाई मैं सबको बता देता हूँ, भाई मैं फ्री फायर भी खेलता हूँ, फ्री फायर भी काफ़ी अच्छा गेम है। और हाँ, ये साध्विक 3629 वही आदमी है जिसका भाई मैंने स्टम्बल गाइस में मजाक बना के रख दिया था। तो वो उसने भाई मेरे को फ़ोन किया और बोला साले स्टम्बल गाइस में तो भाई मजाक बना के रख दिया था मेरा, अब हिम्मत है तो फिर भाई फ्री फायर में आके देखा, फ्री फायर का प्रो मैं। मैंने बोला चल ठीक है आ जा भाई। और भाई उसके पास था वुकॉग, मेरे पास था कोरोना, आई मीन कोरोनो। इस वजह से भाई हम दोनों के बीच एक वुकॉग कोरोनो वाला भी फाइट चल रहा था। मैंने भाई फटाफट से इधर से अपना अपना सामान ले लिया ताकि भाई बाद में अपना काम कर सकूं। तो फटाफट सब सामान लेके उस सामने वाले साध्विक की पेटी बनाने चलते हैं। अब देखो गाइस, इधर तो भाई मैंने एक चीज़ तभी तभी रियलाइज किया कि भाई मेरे पास ग्लू होल ही नहीं था, मतलब कि भाई अनलिमिटेड ग्लू होल था। तो इस वजह से मैंने साध्विक से एक ग्लू होल लिया और उसके बाद साध्विक को बोला चल भाई अब ऑफिशियल मैच हूँ, अब तू भाई थोड़ा दूर भाग, मैं भी दूर भागता हूँ। तो भाई अब हम लोग ऑफिशियल मैच लड़ने वाले थे। अब भाई मैं तो घर के पीछे जा रहा था क्योंकि थोड़ा कवर लेना भी ज़रूरी है। अब देखो मैच हो सकता है अभी तक स्टार्ट, तो मैंने भी फटाफट से ग्लू होल लगा लिया अपना। मेरे पास था ओपी वाला स्किन और भाई एक एबिलिटी भी था, मेरे सामने ना शील्ड लग जाता था तुम्हारा उसका, ठीक है। उस एबिलिटी की वजह से भाई मेरे फायदे हो रहे थे काफ़ी खतरनाक वाले। इस वजह से भाई जब साध्विक मारता है तो भाई मेरा जो ग्लू होल है वो इतनी ईजीली टूटता भी नहीं है। अब सामने से साध्विक आ रहा था और भाई मैं भी इधर बैठा हुआ था। ये जो गेम है हम लोग भाई रात के कुछ 10-11 बजे खेल रहे थे, नहीं 11 बजे ये गेम खेल रहे थे, क्योंकि भाई सुबह को साध्विक को टाइम नहीं मिलता खेलने का फ्री फायर, और भाई रात को मेरे को टाइम नहीं मिलता। तो फिर आज भाई 11 बजे तक भाई जागा ही था, तो मैंने सोचा चलो साध्विक के साथ खेल ही लेता हूँ भाई, क्योंकि उसके साथ भी भाई मैं खेल नहीं पाता था। और भाई आज भाई उसने भाई रूम में चैलेंज ही कर दिया भाई मेरे को कि आजा भाई खेल ले। और देखो फट से गांड सो, इधर भाई मैंने साध्विक को कुत्ते की मौत मारा और उसके बाद उसे थोड़ा सा चिढ़ाया। उसके बाद भाई नेक्स्ट राउंड के लिए निकल गया। नेक्स्ट का राउंड के लिए भाई मैंने M10 लिया, ग्लू वॉल लिया जिसकी भाई मेरे को ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से भाई मैंने नहीं लिया। वेस्ट Level 2 का हेलमेट ये सब भी ले लिया, रिपेयर किट ये सब भी ले लिया। और भाई अब मेरे पास फुल चीज़ें था लड़ाई करने के लिए, तो मैं सीधा आगे भागा डूम 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 करके, और भाई सीधा भाई जाके साध्विक को ढूंढने लगा क्योंकि भाई हेल्थ मेरे को भी उसे पेलना था यार, इस वजह से फटाफट से ढूंढने लगा भाई। उसे ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो चुका था, मिल ही नहीं रहा, तभी वो थोड़ा सा दूर में देखा साध्विक भाई मेरे को नहीं देख पाया, सिर्फ मैंने उसे देखा। इस वजह से भाई मैंने साध्विक के पास गया उसे फिर से ढूंढने के लिए, मगर भाई कसम से वो मिला ही नहीं। हैकर है क्या समझ नहीं आ रहा भाई, किधर चला जाता है टाइम टू टाइम समझ ही नहीं आता भाई। फटाफट से इस वजह से मैंने ग्लू होल लगा दिया आसपास, और वो इस ग्लू होल के चक्रे को देख के ज़रूर भाई आसपास तो आ ही जाएगा, और भाई मैं उसकी पेटी बना दूंगा। मैं काफ़ी देर तक उसका वेट करता रहा और भाई मगर वो अभी तक आया ही नहीं। तो इस वजह से भाई मैंने फटाफट से जंप मारना शुरू कर दिया और भाई फिर मैंने देखा कि भाई फाइनली वो आ चुका है। तो फिर इस वजह से भाई मैंने एक ही जगह पर ग्लू लगा, सीधा भागा नीचे उसकी पेटी बनाने के लिए। इधर भाई रुका और भाई वो सामने से आया और मैंने इसके ऊपर फुल गोली चलाई, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। और भाई कोरोना था मेरे पास तो उसकी भाई उधर ही पेटी बना दी, कोरोना ओपी इन द चैट बॉयज लिखना मत भूलिएगा। तो फिर भाई हम लोग Round 3 में भी पहुंच चुके हैं, और भाई अब हम लोग मैं अब लेने वाला हूँ Level 3 का वेस्ट। Level 3 का वेस्ट मैंने ले लिया, बाकी भाई ज़्यादा कुछ की ज़रूरत है नहीं मेरे पास।
लेकिन ठीक है, वेस्ट को छोड़ के रिपेयर किट ले लेता हूँ थोड़े से। अगर डैमेज हो गया तो भाई रिपेयर कर लूँगा अपने वेस्ट को, क्योंकि मैच के बीच में शॉपिंग नहीं कर सकते। तो भाई मैंने फटाफट से रिपेयर किट ले लिया, मशरूम भी ले लिया भाई, माल पानी सब ले लिया यार, ज़रूरी सामान। और अब सीधा मैं सामने की तरफ भागा ढूंढ 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 करते हुए उसकी पेटी बनाने। भाई मतलब कि कितनी सी बना रहा था, मेरे को लग रहा केली का लेवल 6 वाला वर्जन लेके आ रहा था ये साध्वी की तरफ। मतलब इतने स्पीड में कोई कैसे भागता है यार। मगर जो भी हो, मैं तो भाई सामने उसका वेट कर रहा था, वो जैसे ही आएगा उसकी उधर ही पेटी बना दूंगा मैं गन्ना चूस के। और भाई वो घूमते घूमते किधर देखो गया, जाना भाई उसको आना तो इसको इधर ही था, मगर वो पीछे गया भाई, पता नहीं क्यों गया, लगता है अपनी मौत को बुलाने गया था। तो भाई मैंने फटाफट पर उसे गोली मारी, मगर भाई उतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से भाई गोली से उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, इस वजह से भाई मैं उसके धीरे धीरे पास जाने लगा कि भाई उसे फटाफट से मार दूँ। मगर भाई इधर वो इनविजिबल हो गया। मैं बोल रहा हूँ भाई ये कैसे हो गया, वो इनविजिबल क्या हो गया यार, मतलब गया किधर यार अचानक इनविजिबल हो गया। तब भी भाई मैंने उसे देखा और भाई फिर से उसके बेटी बढ़ा दी। मतलब कि भाई साध्विक के साथ सच में लॉल हो रहा था यार, लॉल इमोट में दिखा रहा था मगर हो तो सच में लॉल ही रहा था उसके साथ। बार बार एक ही बंदा मरे जा रहा है, उसका कोई जगह नहीं है, अता पता नहीं है भाई, मरे जा रहा है। इस बार भाई मैंने कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं किया, क्योंकि भाई क्या करूँ यार, इतना पैसा है। अच्छा हाँ, मेरा ये आउटफिट देख के बताना कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा। मेरे पास एक AWM का अच्छा वाला स्किन भी है। ये जो आउटफिट है ना भाई, ये मेरा आज ही निकला था ये वाला आउटफिट काफ़ी ज़्यादा OP है, पूरा डायमंड रॉयल का आउटफिट है। इस वजह से भाई बड़ी मुश्किल से निकला, 1000 डायमंड मैंने खर्च किए, हर डायमंड में स्पिन मारे जा रहा था। फाइनली भाई 1000 डायमंड खर्च करने के बाद ये डायमंड वाला निकल ही गया। वैसे गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भाई डायमंड वाउचर से निकला है, 2 डायमंड वाउचर से भाई निकल गया था। एक लिमिटेड वाला यूज़ किया जिसमें ये डायमंड वाउचर निकल गया, और शुरुआत में एक अनलिमिटेड वाला वाउचर यूज़ किया जिसमें भाई नहीं निकला। मतलब कि भाई लक तुम्हारे भाई का काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब निकल गया। अभी भाई 2 डायमंड वाउचर पड़े जो कि भाई अनलिमिटेड था, तो भाई मैं नेक्स्ट वाले पे यूज़ करूँगा वो डायमंड वाउचर, अभी नहीं। अब देखो भाई पीछे से आ रहा था जोन, इधर से भाई सामने से वो पेटी बना रहा था। भाई मैं पूरी साइड से फंस चुका था बुरी तरीके से, इस वजह से भाई मैंने फटाफट से किसी तरह हैंडल किया और मैं उसके ऊपर गोली चला दी। भाई पता नहीं M10 को भाई कौन से सस्ते नशे हो रहे थे आजकल, मैंने भाई फटाफट से वो कौन सी टेक्निक थी भाई, ऐसे टेक्निक पे इधर गया और भाई मेडी लगाने लग गया, क्योंकि भाई मेडी लगाने जितना भी टाइम था। भाई पीछे एकदम जोन आ चुका था, भाई मेरी तो टट्टी निकल चुकी थी कि क्या करूं मैं। भाई वो निकल लेते लेते इधर से जा रहा था मेडी, और भाई सीधा किसी तरह भाई मैंने साध्विक को उधर ब्लॉक करके उधर पहुंच गया। साध्विक भाई इधर से आया, मैं डर के मारे उधर से निकल गया। मैंने बोला अरे भैया ये क्या देख लिया, और तभी भाई गलती से मैं जोन से मर गया, क्योंकि भाई मतलब कि यार लॉल हो गया मेरे साथ इस बार। भाई मेरे 200 रुपये काट लिए, मगर भाई मैंने नोटिस किया कि भाई मेरे इतने पैसे आ चुके हैं कि भाई मैं क्या करूं। तो भाई मेरे को जो जो चाहिए था मैंने वो सब वापस एक बार ले लिया, कलेक्ट कर लिया, Level 3 का बैग, हेलमेट, ग्लू वॉल, सब कुछ भाई ले लिया। अब देखो भाई मैं तो फ्री फायर मैक्स में शिफ्ट हो चुका हूँ, ये भाई फ्री फायर का गेम प्ले था, तो फिर भाई मैं बता रही हूँ मैं फ्री फायर मैक्स में शिफ्ट हो चुका हूँ गाइस, तो फिर टेंशन मत लो गाइस, मैं फ्री फायर मैक्स में शिफ्ट हो चुका हूँ। आपको भाई अगली वीडियो फ्री फायर मैक्स ही मिलेगी क्या फिर BGMI की, तो फिर आप ही मेरे को कमेंट करके बताना भाई आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, फ्री फायर मैक्स की क्या फिर BGMI की भाई, जो कि हमारे और सबके फेवरेट गेम्स हैं। इस वजह से भाई आज भाई फैसला हो ही जाता भाई, मतलब कि भाई आज भाई फैसला हो ही जाएगा कि भाई फ्री फायर प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा है क्या फिर BGMI प्लेयर्स। जो लोग भाई BGMI खेलते हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग फ्री फायर पसंद करेंगे तो फिर वो लोग कमेंट करेंगे। आप लोग ही बताना आपको क्या करना है, फ्री फायर क्या फिर BGMI, ज़रूर बता देना ठीक है। और भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर आप BGMI आर्मी में हो तो। फिर हाँ गाइज मेरे चैनल का नाम BGMI आर्मी हो गया, मतलब मैं हम लोग एक आर्मी बना रहे हैं जिसका नाम BGMI आर्मी है, ठीक है ना गाइज। अब BGMI आर्मी को साइड में रखते, सामने कंसंट्रेट करते, मतलब कि ये
भाई क्या नशे कर रहा था सात्विक भाई, मेरे को हंसी आ रही थी सात्विक के ऊपर। फिर भाई मैंने रश मारा फगर भाई, भाई इतना डैमेज दिया फिर भी नहीं मरा भाई, मैं कसम से भाई मेरे को हार्ट अटैक आ गया। मैंने बोला अबे साला ये क्या देख ली, इतना डैमेज दिया फिर भी साला नहीं मरा, मादरचोद हाफ हेल्प ही नहीं किया। सॉरी गाइस मैंने थोड़ा गाली वाली ज़्यादा दे दिया, मगर कोई नहीं आप समझो थोड़ा यार, मतलब कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं, मतलब कि भाई पूरा का पूरा मजाक बना के रख दिया भाई। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा है क्या बताओ भाई, मेरे को तो एक टाइम पैसा लगने लग गया था कि भाई इसने हैक वैक लगा लिया। तो फिर भाई अब देखो मैंने सारे गन्स तो नहीं ले पाया, इस वजह से भाई मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले ली, जैसे टॉमी गन, हेलमेट वेस्ट, वो भी लेवल 2 वाले, क्योंकि लेवल 3 की अब औकात नहीं है, पैसे सब सात्विक के पास जा चुके हैं इस वजह से। तो मैं फटाफट भाग के गया कि उधर ही सात्विक हो सकता है, और देखो सात्विक उधर ही था। और भाई मैंने फटाफट से ग्लूल लगा लिया, क्योंकि भाई सात्विक के साथ फाइट करना है तो ग्लूल में ही करना पड़ेगा। भाई देखो वो अपना वुकोंग लगा रहा था, तो मैंने भी बोला अच्छा बेटा तू वुकोंग लगा रहा है, ले बेटा मैं तो कोरोनो लगाऊंगा। मतलब कि भाई क्या खतरनाक डैमेज दिया भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं है इतना डैमेज कैसे दे दिया सात्विक ने। भाई मैंने फटाफट से इधर पैक किया खुद को, हील लगाने लगा। भाई मेरे को पता था सात्विक किसी भी वक्त आ सकता है, भाई मैंने फिर सात्विक को देखा, मगर भाई मैंने फटाफट झपके मार के उसकी पेटी बनाने की कोशिश तो की, और भाई कसम से यार ग्लूल ही नहीं लग रहा। मैंने बोला अबे अबे भाई यार कैसे पेटी बनाई थी उसने मेरी, साला ग्लूल ही नहीं लग रहा था। मतलब कि मैं उसे दबाई जा रहा था ग्लूल लग ही नहीं रहा था। मेरे को इस बार भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने फटाफट से अपना सामान सब ले लिया, क्योंकि भाई मेरे पास पैसे आ चुके थे, इस वजह से भाई जो जो चाहिए था वो मैं ले रहा था। ये सब कुछ ले लिया, ये सब ले लिया, मशरूम भी ले लिया लेवल 3 वाला। तो भाई मैंने लगभग सब कुछ ले लिया। चलो भाई अब भाई रश मारना है उसके ऊपर, कसम से उसकी गांड फाड़ दूंगा अब अगर दिख गया ये सात्विक तो। फटाफट पहले इसके ऊपर कूदते हैं भाई। चलो बढ़िया, इधर ना ये ना मेरा फेवरेट लोकेशन है, तो एक काम करता हूँ मैं इसी लोकेशन से जाता हूँ। मतलब कि भाई ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इधर से ज़्यादा टाइम कोई आता भी नहीं है, और ऊपर से हम जा भी सकते हैं। ये जो साइड वाला जगह देख रहे हो ना, इधर कैंपिंग कर सकते हैं। अब इधर से भले ही कोई आ तो नहीं रहा था, मगर सात्विक गधों की सामने घूम रहा था। मैं भाई इधर प्रोन हो गया देखने के लिए सात्विक के नशे, और देखो भाई सात्विक कितनी स्पीड में भाग रहा है यार। मेरे को कभी कभी लगता है ये हैकर है भाई, मतलब इतनी स्पीड में कोई कैसे भाग सकता है। थोड़ी देर पहले आपके हमारे आंखों के सामने सात्विक इधर था, अब देखो भाई गायब ही हो गया, मतलब पता ही नहीं चल रहा वो गया किधर। मैं फटाफट से ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि सात्विक ऑब्वियसली दिखा नहीं। इधर मैं ना ऊपर थोड़ा थोड़ा देख रहा था कि सात्विक क्या ऊपर है क्या, मैंने उसको नीचे देखा, मैंने उसको डैमेज भी दिया, तो भाई वो वुकोंग बन गया। मैंने बोला रुक तेरी बहन का कुत्ता मारूँ मैं, मतलब कि वुकोंग बन के मेरे को डराते तेरी नहीं। और गाली नहीं, संस्कारी चैनल है, और गाली 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 नहीं देने का। इधर भाई थोड़ा और ग्लोल लगा लेता हूँ, क्योंकि सात्विक भाई इधर से आने की कोशिश कर रहा था, वो इधर से भी फायर करता है। मैंने बोला रुक तेरी, मतलब कि भाई मैंने बोला अब भाई ते फायर करके दिखा दे भाई कसम से। मगर भाई अब देखो हमें जाना तो नीचे ही था, क्योंकि भाई देखो अब हमारे पास भाई जगह ही नहीं था। अब ऊपर गया तो भाई मेरे को हीलिंग बैटल करना पड़ेगा, और भाई नीचे गया तो भाई मेरे को फाइट करना पड़ेगा। मैंने सोचा चलो भाई फाइट करके जाता हूँ, फिर वो भाई दिमाग लगा के ऊपर चला गया। अब भाई देखो ऊपर भाई जोर ना चुका था, मतलब अब भाई मैं नहीं जा सकता था ऊपर, मेरे को नीचे ही उसका वेट करना था। वो कभी भी नीचे कहीं से भी कूद सकता था, मेरे को नो आइडिया था। मैंने इधर एक ग्लोल लगा दिया ताकि वो आसपास से कहीं इतनी आसपास से ना कूदे, मगर भाई वो था बड़ा चालू बंदा, उसने स्मोक कर दिया। भाई मैं था जोन के अंदर, मैंने अंधाधुन फायर किया, और भाई गलती से उसके हेड में लग गया, और भाई बंदा मतलब फिनिश, वो टपक गया उधर ही, उसका ख़त्म, टाटा बाय बाय, उसका गेम ख़त्म। मगर अभी भी गेम ख़त्म नहीं हुआ था गाइस, तो फिर इस वजह से भाई फटाफट से हमने एक और मेडिकेट लगाया, और भाई एक और रिपेयर किट ले लिया, ताकि भाई उसकी पेटी बना सकूं मैं अच्छे से। और फिर जाके भाई उसकी पेटी बनाने लग गया। ये जो मैच कतई इंस्टेंट हो रहा था भाई, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है भाई, मतलब इतना लंबा मेरा वीडियो नॉर्मली होता नहीं है, मगर काफ़ी ज़्यादा लंबा है। क्या करो यार, आपको पूरा कोना कोना दिखाना पड़ रहा है।
नॉर्मली मैं वीडियो का आधा जगह कट कर देता हूँ क्योंकि वो सब जगह बोरिंग होता है, मगर इधर कोई बोरिंग जगह है ही नहीं। मतलब कि भाई हमें घूमते जाना पड़ रहा है। क्या ही करूँ मैं। अब देखो भाई, मैं नीचे आया और वो इतनी जल्दी ऊपर भी पहुँच गया। भाई मैं हूँ शौक। मैंने बोला भाई अब तो ये सच में हैकर है, मतलब कि अभी ये इतनी स्पीड में ऊपर जाता है, कभी छत में पहुँच जाता है, मतलब कि कौन से सस्ते नशे कर रखे। मैंने फटाफट से गया उसको गोली मार, मतलब कि इतना डैमेज दिया, फिर वो नीचे भी गिर गया। अबे फॉल डैमेज तो लग जाए, भूतनी क्या माइनक्राफ्ट के लॉजिक लगा के आया क्या? अबे मतलब कि यार क्या है यार, माइनक्राफ्ट के लॉजिक लगा के आया, मतलब कि हाँ अभी मरा, मगर भाई देखो मेरी 10 HP हो चुकी थी। भाई पता नहीं कौन से नशे कर रहा था, मगर फिर भी भाई मैंने सोचा चलो भाई मारा, कम से कम एक लॉली मोड दिखा देता हूँ। काफ़ी देर से मैं पीटे जा रहा हूँ, इस वजह से भाई मैंने लॉली मोड दिखाई दिया। मैंने जैसे डेजर्ट ईगल ले लिया क्योंकि भाई डायनामो की तरह शायद पट्टे से हेडशॉट मार पाऊंगा, मगर ये फ्री फायर है भाई, फ्री BGMI नहीं है, ज़्यादा डायनामो होने वाला है। तो फिर कोई नहीं भाई, रिपेयर किट उठा लेता हूँ मैं, काफ़ी पैसा इस वजह से रिपेयर किट उठा लेता हूँ। वैसे भी रिपेयर किट काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है। अभी भाई मेरा ये वीडियो कट हो चुका है, अब भाई नेक्स्ट वीडियो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इधर से ही। तो फिर भाई मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ, और भाई देखो अब भाई मैं फटाफट पूरा घूम के गया क्योंकि भाई साधवी उधर से आके आराम से भाई मेरी पेटी बढ़ा सकता था, इस वजह से भाई मैं घूम के गया पूरा ताकि भाई मैं साधवी के आराम से जाके पेटी बढ़ा पाऊँ। अब मैं सामने से जा ही रहा था और भाई मेरे को थोड़े से दूर में भाई साध्विक दिख भी गया था, मतलब कि साध्विक मेरे को थोड़े से दूर पे दिख भी गया था, इस वजह से भाई मैं पूरे के पूरा साइड घूम के आया। वैसे सच बताओ मेरे को साध्विक दिखा नहीं था, मैं ऐसे ही फेंक रहा था। तो भाई मैं धीरे धीरे ऊपर गया, क्या पता ऊपर है, मगर कोई नहीं भाई। मैंने आज पहना था डायमंड रॉयल में चील की आउटफिट, कसम से दिखाना चील की तरह उसके आँख में चोंच मार के भागाऊंगा, कसम से दिखेगा नहीं, फिर हेडशॉट मार दूंगा बेचारे को। ऐसे काफ़ी गंदी प्लानिंग थी, मैं भले आउटफिट है मेरे पास चील का डायमंड रॉयल वाला। अबे भाई अबे अबे डैमेज थी, अबे यार इतनी गालियाँ क्यों देता हूँ मैं, कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ यार इतनी गालियाँ क्यों देता हूँ, मगर फिर क्या डैमेज दिया भाई। मतलब कि अब तो भाई मैं बोल रहा हूँ ये हैकर है कसम से, एक बार में इतना डैमेज कोई नहीं दे सकता भाई, ये कैसे दे पा रहे, कौन से सस्ते नशे है। मैंने सोचा भाई इससे पहले ये अपने हैक लगा के ऊपर आ जाए, मैंने सोचा फटाफट से नीचे चलो, इसका पूरा रास्ता ब्लॉक करो क्योंकि वो हैक लगा के कभी भी ऊपर आ सकता है, मतलब कि हैक लगा के हर एक जगह पहुंच रहा है बेचारा। तो भाई मैंने सोचा अगर हर एक जगह वो हैक लगा के पहुंच सकता है तो ऊपर क्यों नहीं आ सकता। तो उसके बाद मैंने देखा कि भाई लो खत्म, भाई जोन इधर ही आ रहा था, मैंने किसी तरह हैंडल किया क्योंकि भाई हर बार ना जोन उल्टी तरफ बनता था, मतलब इस तरफ जोन कभी बनता ही नहीं था। देखो भाई साध्विक एकदम सीधा मेरे सामने से भाग के गया, मैंने भाई इधर फटाफट हेल्थ लगाया और भाई वो वुकोंग बन गया भाई, और उसने भाई मेरी पेटी बढ़ा दी। वुकोंग ओपन द चैट बॉयज, ये भी लिखना मतलब फूलेगा, करोनो एंड वुकोंग ओपन द चैट बॉयज यही लिख देना, दोनों को ओपी हो जाएगा। अब टॉमी गन मैंने ले लिया, मेरे को पता है ये थॉमसन गन है, मगर भाई फिर भी टॉमी गन बोलूँगा, मज़ा आता है। और BGMI में पहले इसका नाम टॉमी गन ही था, इस वजह से। अब देखो भाई मेरा तो सब कुछ खरीदारी हो चुका था, तो इस वजह से भाई अभी अभी भाई रिकॉर्डिंग करने के लिए ना अभी अभी खा के उठा ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं भाई आप एडजस्ट कर लो। अब भाई सामने जा रहा था मैं क्योंकि भाई अब बंदों को भी पेलना था, बंदे से मेरा मतलब साध्विक था। तो इधर से भाई मैं फटाफट से टायर से कूदता हूँ और ऊपर चलता हूँ। ऊपर जाके भाई मैंने देखा कि साध्विक अभी आसपास मेरे को कहीं दिख नहीं रहा, तो भाई मैंने सोचा चलो भाई उस साइड चलते हैं, उस साइड से शायद साध्विक मेरे को दिख जाए। तो इस वजह से मैंने उस साइड चला, उस साइड जाने के बाद भाई मैंने देखा कि साध्विक उधर मार्ट, मतलब कि साध्विक उस वाले जगह पे घूम रहा है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है, खुले वाले एरिया में, गार्डन वाले एरिया पे घूम रहा है साध्विक। तो भाई मैंने सोचा चलो भाई साध्विक जब घूम ही रहा है मैं इधर से जाता हूँ उसके पास धीरे धीरे ग्लू होल लगाते हुए। अब देखो भाई साध्विक उस ग्राउंड से ऊपर तक पहुँच चुका था, देखो इतनी स्पीड में भाई कसम से, वो क्या फ्लैश की स्पीड में उधर से भी निकला, मतलब इतनी जल्दी कोई ऊपर तक कैसे पहुंच सकता है। तो यही सोचते हैं भाई मैं भी उसके पास गया उसकी पेटी बनाने के लिए, और भाई मैं भी चढ़ गया ऊपर भाई फटाफट से, क्या पता कि भाई अभी भी वो ऊपर ही हो, मगर नहीं भाई वो ऊपर से कूद चुका था और भाई वो था नीचे। अब मेरे को पता था
उसको नहीं पता था कि भाई मैं आ चुका हूँ नीचे इस वजह से, मगर भाई उसको शायद मेरा फुटस्टेप आ गया इस वजह से वो उसको पता लग गया और भाई वो मेरी पेटी बनाने में तुल गया। मगर भाई मैंने किसी तरह संभाला, मगर भाई उसी टाइम पेटी बन गई मेरी। मतलब कि भाई मजाक चल रहा है यार, मजाक हो रहा। कंग वर्सेस कोरोनो ओपी इन द चैट बॉयज लिखना मत भूलिएगा, ज़्यादा ही ओपी इन द चैट बॉयज लिख रहा हूँ, कहीं पता चला मैं ही ओपी इन द चैट बॉयज हो गया। मगर छोड़ो अभी इन बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, हेलमेट लेवल 2 सब ग्लू वॉल सब ले लेने का भाई। अभी भाई इंटेंस फाइट हो गए, दोनों का 5-5 हो गया और राउंड हमारे पास थे और 7, मतलब 7 राउंड करने के बाद कोई एक जीतेगा। इस वजह से भाई फटाफट से मैं गया, इधर गया, किधर जाऊँ भाई कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा यार मेरे को। लगता है भाई इतनी रात को खेलते टाइम भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, तो इस वजह से भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से भाई मैंने इधर थोड़ी देर तक बैठा, मगर भाई इस देखो साध्विक उसी टाइम पे आ गया। मैं भाई डर के भागा बाहर की तरफ, क्या पता साध्विक उधर ही आ जाए। तो भाई मैं सामने की तरफ गया और साध्विक देखो इसी वाले रास्ते से आ रहा था। अब पता नहीं अचानक ग्लू वॉल मेरा लगना बंद हो चुका था भाई, मेरा वो तुम्हारा पिंग हाई चल रहा था, मगर भाई इतना ज़्यादा डैमेज दिया, इतना ज़्यादा डैमेज दिया भाई मेरा। तो भाई मैंने बोला अबे साला ये क्या देख लिया, मतलब कि भाई 200-300 का हेडशॉट पड़ चुका। अब एक और भाई 70 का हेडशॉट पड़ गया मगर अभी भी नहीं मरा। मैंने बोला अरे भाई ये हैकर है भाई, हैकर के साथ क्यों मेरे को खेलने देते तुम मादरचोदो। भाई सॉरी एक और बार गाली दिया मगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सॉरी गाइस। मगर अब भाई कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो भाई पता नहीं वो आ किधर से रहा था, मतलब देख ही नहीं पा रहा था, मेरे को फुटस्टेप उधर से आ रहे थे और भाई मैंने देखा बंदा इधर है, मतलब साध्वी। तो भाई मैं फटाफट गया और साध्वी की पेटी बना दिया। इस बार साध्वी काफ़ी इजीली मर गया, मतलब कि भाई पहले क्यों नहीं मरा यार, समझ में नहीं आता यार पहले क्यों नहीं मरा ये साध्वी। अब देखो भाई ये भाई अब अंतिम राउंड होने वाला है हमारा, इसके राउंड के बाद भाई साध्विक हार जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। तो फिर अब आपको ये देखना है कि भाई मैं साध्विक गेमिंग को मैं कैसे हराता हूँ, किस तरीके से हराता हूँ और मैं कैसे साबित करता हूँ कि भाई मैं हैकर के साथ खेल सकता हूँ। मतलब कि भाई हैकर ही है यार वो, एक तरीके से मतलब हैकर ही है भाई, हैक वैक कर रहा है, मतलब क्या खतरनाक है भाई। मैंने 10 लाख डायमंड्स खर्च किए फ्री फायर के ऊपर और भाई मेरे पास उतने कैरेक्टर स्किल्स नहीं है जितने पास उसके पास कैरेक्टर स्किल्स है। अबे उसने 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, उसके पापा खर्च ही नहीं करने देते पैसे उसको यार, मतलब कि फिर भी कैसे कर दिया भाई। मैं इधर साइड में ग्लोअर लगा देता हूँ, पता चला वो हैकर भाई वो लैक ना करते। वैसे हाँ वो लैक तो फ्री फायर में होता ही है M2B के साथ, मैं उसे M24 बोलूँगा भाई। फ्री फायर BGMI में उसका नाम M24 है भाई, मैं इसे M24 ही बोलूँगा, M24 बोलते समझ जाना। अब भाई निकलने का टाइम आ चुका था, वो हैकर भी इधर पहुँच चुका था, मतलब मिस्टर, मैं इसे मिस्टर हैकर ही बोलता हूँ कि मस्त नाम है ना मिस्टर हैकर। अबे भूतनी का गोलियाँ क्यों मारता, सॉरी गाइस फिर से मैंने वो गाली दे दिया उसका, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। अगर भाई आपके आसपास मम्मी पापा है, पहले ही बता रहा हूँ मेरे वीडियोस को देखने से पहले हेडफोन लगा लिया करो, थोड़ा गाली गलौज होता रहता है मेरे वीडियोस में, ठीक है। तो मेरे वीडियोस देखने से पहले भाई हेडफोन लगा लिया करो। अगर आपके पास मम्मी पापा नहीं है फिर ठीक है, जैसे मर्जी देखो, लाउड साउंड में देखो, स्पीकर लगा के देखो भूतनी को, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मगर भाई मम्मी पापा पास में है और अगर आपने हेडफोन नहीं लगाया तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाद में मत बोला देखो बितान भाई आपकी वजह से भाई मेरे मम्मी पापा मेरे को चप्पल मार रहे, ये सब भाई नहीं बोलने का मेरे को। मैं पहले ही वर्न कर रहा हूँ भाई हेडफोन लगा लेने का मेरे वीडियोस देखने से पहले। अब देखो भाई जोन काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका था भाई, जोन मेरे को दिखने लग चुका था, तो भाई मेरे को भागना पड़ा फटाफट से, बनना भाई मैं मर जाता। और देखो भाई मेडिकिट भी मेरे पास था तो नहीं, तो भाई मैं मेडिकिट के साथ तो लड़ाई कर नहीं सकता था। मगर तभी भाई आया, भाई हार्ट अटैक दिला दिया था, किधर से आया, इसे रोको इसे रोको, अबे मरूंगा आज मैं, खत्म आज मैं, खत्म अबे अबे खत्म खत्म, मैं मेरा डैमेज ही नहीं पड़ा। ओ भाई सब बुढ़िया हो गया, ओ भाई हमने बिना 7 किल्स किए, 7 किल्स बिना 7 किल्स के, हाँ बात भी सही है, बिना 7 किल के 7th राउंड भी पार कर लिया, मतलब कि भाई ओपी ओपी ओपी। तो फिर भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।